हम लोग भी देखते हैं, देखो एक अलग में ऐसे साधु हुए लगातार के पास अस्त्र शिक्षा के लिए गए थे तो निषेध कर दिया। तो परंतु गुरु की अपना इच्छा श्रद्धा इतना था कि गुरु उसका मृत्यु का पत्र बनाकर अभ्यास करने का कारण मुझसे भी अच्छा एक अलग मनुष्य का अच्छा दोनों भी खरीद। इसलिए हम भगवान हर समय आएंगे तो हम मुख्य रूप से सारे चीज जो है कोई निष्फल नहीं है, कोई निष्फल नहीं है, परंतु यदि सब निष्फल सभी को सत्य तो मानते क्यों नहीं है? बोलते कि हम इसलिए सत्य नहीं मानते क्योंकि एक ऊपर ऊपर का देखते हैं, हम अंदर का देखते हैं कि निष्फल क्यों नहीं हुआ, निष्फल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सब जो है आत्मा के ऊपर वही बोल देते हैं। देखो भगवत गीता सप्त मध्य भगवान स्पष्ट बोलते हैं यो यम यो 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 यम यम तनु भक्त श्रद्धे अर्चित विक्षति तस् तत्सचलम श्रद्धम तामेव विदधति श्रद्धया श्रद्धया युक्त तस् आराधन विदधति लभते तत्सतम मयैव भेदा है। हाँ देखिए स्थिति जितना यहाँ पे कहा हुआ है इसको भगवान श्री कृष्ण कैसे वो कारिका के संख्या से बुला जो भी कुछ व्यक्ति देवी देवता करके पूजा करते हैं उसके अंदर वो श्रद्धा श्रद्धा भक्ति भी मैं दे दो और फल भी मैं दे दो वो देवता के माध्यम से। इसलिए ना बुद्धि भेदम जनयत ज्ञानम कर्म सिद्धयत है। इसलिए कोई व्यक्ति इसमें निष्ठा रख करके श्रद्धा जाकर के काम करते हैं तो बिना बुद्धिमान व्यक्ति को उसको बुद्धि के अंदर की रुचि उत्पन्न नहीं करना चाहिए तो वो भी छोड़ देगा अगर करेगा ना। इसलिए जो कर रहे करने दो, अब अपने आप उस आचरण करके देखो इसमें थोड़ा सा तो दृष्टि को बदल देगा ना अधिक लगेगा तो पूरा वेदांत दर्शन के इसको। आइए आप देखिए कल जब इसको पढ़ेंगे तो ये कौन सा श्लोक को लोकान इति लोक अभी श्लोक देख सकते हैं लोकान लोक विदह प्राहु आश्रमाय रत विदह श्री पुंस कमल कुछ लोग लोक रंजन के लिए लोग को सुखी करने के लिए सृष्टि हमने कल बताया था यहाँ पे तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति एक में ए में कोई सुखी हो तो बी उसमें दुखी हो, बी जिसमें सुखी हो उसमें दुखी है। इसलिए कि लोक रंजन की सृष्टि को कोई नहीं सकता सामान्य नहीं। क्यों? अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि है संस्कार होता है रुचि नाम वैचित्र जो होता है लोक से भिन्न रुचिता तरुण रंजन सृष्ट लेना कभी करते भगवान भी कर रहे समझता सामान्य व्यक्ति करेगा कैसे लोग का। फिर कोई कहता है कि आश्रम बोलता है ये लोग जो आपका लोक रंजन करोगे आप कैसे प्राप्त करोगे बोलते आश्रम धर्म को पालन करें वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करने से आपका पूर्ण होता है पूर्ण सुख प्राप्त होता है उससे मनोरंजन होता है। तो ऐसा ही देखा जाता है कि आश्रम धर्म ही अच्छा है। इसलिए बोलते हैं दक्ष प्रभृतस्तु आश्रमा परमार्था के समर्थन के दक्ष बोधायन मन ये सब जो आश्रम धर्म का अधिक मानते हैं यदि समर्थन के तत् असत ये कहने भी सही नहीं है। क्यों? वेशस्य आश्रम शब्दार्थे शूद्रादिरपि प्रसंगा भी किसको तुम आश्रम बोलते हो? आश्रम क्या बोलते हो? ड्रेस को अथवा एक एक ये ड्रेस हुआ और एक ये भी ड्रेस है, एक ये भी ड्रेस है, एक ये भी ड्रेस है तो किसको तुम ये बोलते आश्रम धर्म बोलते ये ड्रेस होगा तो शुद्ध भी भगवत कपड़ा पहन लगा हुआ आश्रम का आश्रम हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं वेशस्य आश्रम शब्दार्थे यदि वेश को आप आश्रम शब्द करोगे तो क्या हो जाएगा शूद्रादेर भी प्रसंगा क्योंकि शूद्रादि में भी वो कोई ड्रेस पड़ गया उस प्रसंग आ जाएगा जिसको बढ़ना कब हो गया था इसलिए मैं नहीं जाता हूँ उसमें वहाँ पर देखिए टिप्पणी आया था जाति तत्त जाति जाति महकुम प्रेतो भवतु अस्य जाति विवेचनम साधनत्ते तत्कुम तत्जातीयत्ते तत्पूर्व पूर्व उप अपेक्ष एवं अवस्थायाम सदृश अनश्य सवच जातु। अब देखिए बोलते हैं जाति से भी है मानेंगे जाति को भी कैसे मानेंगे आप बताओ हम क्या बोलते हैं हम शांति मिले गुरु के बारे में इस ऋषि परंपरा से आए हुआ है इस ऋषि परंपरा में परंपरा को चलाने के लिए अब स्त्री भी चाहिए पत्नी भी चाहिए। अब इस परंपरा में कहीं पे कोई कहीं व्यभिचार नहीं है इसका गारंटी नहीं है। वर्तमान परिस्थिति को देख करके जो है ठीक है ऋषि परंपरा से आए हुए हैं हम ऋषि पर परंतु यहाँ पे कहीं पे कोई व्यभिचार नहीं है सभी अपना दोनों क्षत्रियों का क्षत्रिय जिस प्रकार जिस शादी होना चाहिए ऐसे ही हुआ ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। हम मान्यता मान्यता देकर के चलते
इसलिए जाति जो कैसे पहचान होगी, ये ब्राह्मण पुरुष तो ठीक है अपने जन्म ब्राह्मणी को कैसे पहचान होगी। आप जिस पुरुष से जो व्यक्ति आते हैं वो पुरुष कितना शुद्ध है इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये सब चीज जो है मानना पड़ेगा। जाति जाति मत रेत भवतु अस्य जाति विवेचनम साधन। उस जाति का पुरुष की रेत जो है, अब देखिए आप और भी देखिए, ब्राह्मण के लिए जो है सात्विक आहार विधान है, मुसाराबादी नहीं पीना। अब देखिए वर्तमान में क्या है, क्या स्थिति हो रही, अब उससे उत्पन्न हो जाएगा वीर अथवा सामर्थ्य तो दूषित हो गया। इस ब्राह्मण तो कैसे निर्णय करोगे, कहाँ से आएगा वर्तमान बच्चे में ब्राह्मणत्व का संस्कार आएगा कहाँ से, पिता में तो आचरण देखते ही नहीं, एक तो खान पान से भी हमारी आचरण से जिसको दिखाई दे रहा है वर्तमान में उसका भी दर्शन, जिसको हमने देखा नहीं वहां लिखा तुम अपेक्षा थे अनावस्था है ना, ये सदृश अनाश्वास है। इस प्रकार से जो है जाति में भी एक अनाश्वास एक अनाश्वास है। ठीक से विचार करेंगे एकमात्र आत्मा भी जो कहीं पर कोई पूर्ण विश्वास अब नहीं कर सकते। ठीक है मान्यता देकर के श्रद्धा के साथ मान्यता देकर हम आचरण करते तो पर शरीर होता है, परंतु पूर्णता तो आप नहीं कर सकते जब तक आप ठीक ठीक दृष्टि नहीं खुलेगा। वेदांत को खुलने से आपको कई जगह पर निर्भर करेगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों अलग वंत को बोल रहे हैं, वो सारा व्यवहारिक जगत क्योंकि अध्यास करके वो व्यवहार चलते हैं। जहाँ भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार कैसे होता है अध्यास करके, और अध्यास की वस्तु पारमार्थिक हो जाएगी। जाति जाति पर कुछ भगवत वर्ष जाति विवेचन विवेचना साधन थे, तो जाति विवेचन के साधन के रूप में कुछ पुरुष की जो है रेत से जाति मतलब प्रसारित होते हैं बांटते हैं। तत्पुष तत्पुंस तत् जातीय त्यो पुरुष को जन्म तत्पूर्व अपेक्षा उस पुरुष को जातीय होने कारण उससे पुरुष पूर्व पुरुष को अपेक्षा रखते हैं। अब जो इस प्रकार से मतलब अनावस्था में आ जाएंगे कहाँ से आएंगे कहाँ से कहकर शुरू करें। इस पर मान्यता देकर के ऋषि लोग हुए, ऐसे मान्यता देकर के ऋषि मन पर हम लोग आए हुए हैं ऐसा, क्योंकि हमारा अभ्यास क्या था ब्रह्म देवान प्रथम संभव भविष्य सुगर्त भुवन सुगुप्त ऐसा करके मुंड को सबसे पहले आता है। आप जो है वहाँ पे से जो कि कैसे बना, ये जो बोलते हैं भगवान संकल्प से बने या हमारी मान्यता है, प्रमाण तो नहीं है श्रुति एकमात्र प्रमाण, श्रुति जैसे बोलते हैं ऐसा विचार करने से परमार्थ की बताने का श्रुति की एक साइड आपको बोलते हैं श्रुति ऐसा करता है। जब श्रुति कहते हैं कि ये सब निषेध करने लायक है वहाँ पर विश्वास नहीं होता। हम ऋषि परंपरा से आए हुए हमको मानने में अच्छा लगता है, और श्रुति जब उसको निषेध कर देते अपने मन से वो हम मन मानने में तैयार नहीं होते, संस्कार करते श्रुति अपना जो जिस श्रुति ने इस प्रकार के ऋषि वाक्यों को हमारे सामने ला करके प्रामाणिक कहा उसी श्रुति ने स्वयं व्यक्ति के पहले जो अजात वाक्य श्रुति में सारे श्रुति हुई। परंतु क्या है वो श्रुति भी जिस भी निषेध करते हैं कोई भी व्यवहार जो है पारमार्थिक नहीं, इसलिए हम बोलते हैं घबराना नहीं, आपने अपनी श्रद्धा को हटाना नहीं, हे पूरा मंदिर को कार्य को अंतिम बोलिए बोलो शांति में बना नहीं सच्चाई को जान करके आगे चले। तो जहाँ जहाँ हमारे भ्रांति बैठी हुई है उनका आत्मनिष्ठा लाने के लिए आपको वही एक मंत्र सत्य हो सकता है, बाकी सारा घर व्यवहारिक इसको हमें पारमार्थिक पता नहीं। धीरे 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 जहाँ भी सत्य प्रबुद्धि बैठी हुई है शास्त्र को सारे मन सत्ता करके शुद्ध मन बना जीने के आनंद फिर जीने के आनंद आगे अपने आप ही बोलेंगे। इस तत्व को जानने के बाद कुछ भी कल्पना करे क्या फर्क पड़ता है, जानते हैं तो कल्पना ही वही विशस्व आश्रम अशब्दार्थ सूत्रार्थ भी प्रसन्न है। जाते दुर्विवेचन तो जाति को भी विवेचन करना मुश्किल, तन मूलस्य आश्रमस्य दर्शयितुमशक्यते है। देखो उसका मूल वो जो उसका जो आश्रम इतना भी समझ के अपने मान्यता देगा नहीं, अपने मान्यता दे दी को दिखा नहीं सकते। इसलिए है कि तब असम यहाँ पे तब मूल से उस अष्टम का जो अष्टम से दर्शे तुम अष्टम का मूल दिखाने में अशक्तत्व
संस्कार से जब देव संभव लगे नहीं, आपका संस्कार देख के समझ में आता है इन व्यक्ति संस्कार देख के आगे काम में जाते हैं वही छोटे जाते हैं। मैंने कैसे बच्चे संस्कार देख के बचपन से वही बच्चे पढ़ने के लिए समान है मेरे लगता तो जनरली ये लगाया जाता है कि ब्राह्मण के कुछ भी नहीं। जब भी ब्राह्मण के निर्णय कैसे किया था क्योंकि हमारा छंद को प्रश्न में आया आपके सत्यवादी तो सरलता से ब्राह्मण को निर्णय कर तो अपने संत करके गाय दे दिया है कि नहीं सत्य कम जा पाती ठीक है ना। कोई प्रमाण तो नहीं था केवल उसे ब्राह्मण आचरण देखते और वो आचरण की लिमिटेशन आत्मा में है कि शरीर या मन बुद्धि और जो परिवर्तन होने लगता है इसलिए ये इसको बोलते हैं संस्कार से अधिक समवायी संस्कार कहाँ रहता है शरीर के साथ समावय संबंध है पारलौकिक वो भी वही वो संस्कार परलोक में आगे आगे आपको मदद करेगा ऐसे नहीं बदल जाता है जिस शरीर को प्राप्त करें बता दो संस्कार निकल आता है। इस समय यहाँ बैठ कर बोल रहे हो सकता अगले शरीर में बंदर बंदर की तरह बैठ कर बोल रहा है किसी कर्म के लिए बस इस पारलौकिक असंगे च आत्मा निकल असमवया असंग आत्मा में किसी के साथ कोई संबंध नहीं आत्मा के ऊपर कल्पित है क्योंकि संबंध किसी के साथ नहीं है। इसलिए बोले यहाँ पे आश्रमा इति यहाँ तक हम कल पढ़ लिए अध्याय वैयाकरण स्त्री तुम नपुंसकम शब्द जातम तत्मी वर्णीय वैयाकरण लोग बोलते हैं कि शब्द से उत्पत्ति होता है तीन प्रकार के शब्द मतलब पुलिंग स्त्रीलिंग का नपुंसक लिंग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं लोगों में बोले कुछ इतना तो मुझे क्या पढ़ रहा है अभी अजंत पुलिंग शब्द अजंत पुलिंग शब्द इसीलिए एक जो है भैया करना स्त्री तुम नपुंस कम शब्द जाता तब वही जो है शब्द ही तत्व होता है इसी वर्णन ऐसा वर्णन करते हैं क्या बोलते हैं तदपि अयुक्तम वो भी आपको कहना ठीक नहीं है क्यों आज जिस शब्द को आप कभी पुलिंग में प्रयोग कर दो अब उसकी लिंग में आपको सर्वनाम सर्वाधिकार में आए शब्द को निश्चित लिंग है नहीं विजरण को निश्चित लिंग गए नहीं तो पारमार्थिक तत्व कैसे हो इसलिए होते हैं तदपि अयुक्तम कि स्त्री आदि शब्द स्वभाव सर्वादीना त्रिलिंगत्व अजोगा है ना यदि कोई शब्द स्त्रीलिंग भी होगा आश्चर्य की बात और भी देखिए दारा मतलब होता है स्त्री पत्नी और नपुंसक लिंग में चलते हैं ये है ब्रह्म शब्द भी पुल्लिंग नपुंसक लिंग दोनों में चलते हैं। इसलिए जो है ये व्याकरण की पुलिंग में आप इंद्रिय निश्चय करें ब्रह्म नपुंसक है परंतु ये वही ब्रह्म प्रातिपदिक है जब ब्रह्मा जी को बोध कराएगा तब वो पुलिंग में चलेगा। हाँ अच्छा और भी देखिए इनमें कल दृष्टांत दिया था आम शब्द फल के लिए प्रयोग करेगा तो न्यूटर देता है वृक्ष के लिए प्रयोग करेगा तो पूरी होगी इसलिए एक ही शब्द जो पूरे प्रयोग के हिसाब से लेकर धनचर करते रहते हैं इसलिए ये जो अपने टिप्पण नाचिका का लिख रहे अच्छा तदादी हम तो सर्वाधिगत में आए हुए शब्दों का क्या कर सकते हैं उसका तो कुछ उपाय ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैं शब्द बोल रहा हूँ तो मैं शब्द किसको बोल रहे हैं स्त्री भी बोलते हैं पुरुष भी बोलते हैं कुत्ता भी बोलता है वो अपने को मैं कैसे समझता शब्द का स्वभाव स्त्री आदि से मतलब स्त्री स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग यदि शब्द का स्वभाव होता तो सर्वाधिकार में आए हुए शब्द को तब निर्णय नहीं कर पाओगे। स्त्री आदि शब्द स्वभाव सर्वादीना त्रिलिंग चंदन संभव ही नहीं चार नंबर टिप्पणी के बोलते हैं स्त्री आदि रीति भाव प्रधान निर्देशों भाव प्रधान मतलब क्या है किसके स्त्री स्त्री भाव को प्राप्त किया कोई शब्द तो अब देखिए श्रेयसी प्रेय श्रेयसी प्रेय प्रेय श्रेयसी करके आते हैं प्रतिबद्ध श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग का है परंतु प्रेय श्रेयस मतलब जो मतलब श्रेय को प्रिय श्रेय प्रिय है जिसका वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है वो भी समझ में श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग है और जिस व्यक्ति हाँ जिस व्यक्ति बहुत श्रेय कार्य बहुत श्रेय माने तो क्या होता है वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है इसलिए शब्द में कोई नियंत्रण तो नहीं होने के कारण आप ऐसा नहीं बोल सकते शब्द ही पारमार्थिक जो व्यविचार करता रहता है इसलिए उसको पारमार्थिक नहीं माना जा सकता स्त्री आदि चार नंबर टिप्पणी है हाँ प्रधान निर्देश अच्छा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं त्रिलिंगत एक अनेक स्वभाव असंभव क्योंकि एक होकर के कोई व्यक्ति अभी स्त्रीलिंग में काम करते हैं कभी पुल्लिंग में काम करते हैं और कोई व्यक्ति नपुंसक बन जाए
पूरे शब्द पर निकल कर होता है, एक तो होना संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि एकस्य अनेक स्वभावत्व असंभवान औपाधिक मत्ते औपाधिकम औपाधिक धर्मत्वे, इधर इधर हो गया ना, औपाधिक धर्मत्वे च तत्व अवस्तुत्व प्रसंगादि इत्यादि। कोई बोलो उपाधि के कारण ऐसा होता है, मतलब शब्द प्रयोग किया आपने आम, परंतु आम के द्वारा जिस वस्तु को घटना है वो उपाधि को पर निर्भर करता है, जिसको समझिए उसका नहीं परिवर्तन, यानी कि उपाधि तो अवस्तु है, उपाधि परमा ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बोलते हैं कि जो एक अनेक स्वभावत असंभव औपाधिक धर्म तस्वस्तुत्व, यदि औपाधिक धर्म करोगे तब वो हो जाएगा तस्व, मतलब सर्वाधिक सर्वाधिक अंग शब्द आए हुए हैं वो अवस्तुत्व का प्रसंग हो जाएगा। यदि प्रसंगा यदि हंस को मान में रखते स्त्री को नपुंसकम लैंगा, वही जो है पारमार्थिक ऐसा करके जो बोलते हैं वो भी सही नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास, कितना कहने हम बोलते हैं उसको भी दो दो मानने के लिए लोग देखते हैं, तो भेद देखना इतना दृढ़ हो गया तो ब्रह्म भी दो है, तो परम ब्रह्म है या अपर ब्रह्म है, हम भी मानते हैं, मतलब अपर ब्रह्म को औपाधिक मानते हैं, परम ब्रह्म को पारमार्थिक मानते हैं, वो ऐसा नहीं, दोनों भी पारमार्थिक मानते हैं। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म तो ब्रह्म यशमादी थी, इसके लिए एक है ना आप ऐसा ब्रह्मांडम दुर्लभ यशमादी थी सभी वस्तु, यदि आपको दो वस्तु दिखाई दे रहा है तो ब्रह्म आपको एकत्व भाव में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, मैं वास्तविक में आया हुआ ब्रह्मात्म दुर्लभ जस्मा द्वितीय सती वस्तु है, ब्रह्मात्म दुर्लभ तो ये व्यापक था कि भाव प्राप्त करना बहुत कठिन होगा, द्वितीय सती अब तक आपको दिखाई कई बजे से दिखाई द्वितीय सती वस्तु में आप यदि ब्रह्म को ही दो टुकड़ा करके मानो तो फिर तब क्या होगा आपका भी प्रति, इसलिए वो व्यापक था कि हम पूर्ण तो भाव नहीं वास्तविक नहीं पाना है वस्तु भी द्वितीय सती वस्तु देखो वस्तु वस्तु यहाँ पे ब्रह्मात्मक ऐसा करते हमको पार्टी में मिल जाए अन्य सर्वे लौकिका सर्व सॉरी टीका में आ जाइए यहाँ पे दे ब्रह्मणि वेदितव्य परम चैव परम चेति के देवा व ब्रह्मण अनुग्र परम चैव परम च ब्रह्म का दो रूप है, इसको मूर्ता मुक्त ब्राह्मण में आए दे ब्रह्मणि वेदितव्य जानने जो को दो ब्रह्म है परम च अपरम च ऐसा करके कहीं मिला हुआ है और उसी को पारमार्थिक मानते हैं, उसी के आगे श्रुति बोलती है कि अर्थात तो आदेश नेती रहती वो नहीं बोलती, उसी मूर्ता मूर्त ब्राह्मण है शुरू तो करते हैं देवा व ब्रह्मण रूप मूर्तम च मूर्तम च इन मात्र प्रकार के उसका आगे जब वही श्रुति चौथा मंत्र में आ करके अर्थात तो आदेश नेती परम आदेश करते जो मूर्तम समझे ये दोनों ही पारमार्थिक नहीं है और उस परम तत्व को समझने के निषेध के भिन्न दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है मनुष्य को जन्मने के लिए। सूर्य आत्मे होती ये कभी कभी ये हुआ बड़े बड़े दार्शनिक भी पूरा वेद को प्रकरण में किस शब्द को पढ़ा तो उसको विचार नहीं किया, अपने सिद्धांत को बनाने के बाद कोई वैदिक शब्द मिला हमारा शब्द को रेनफोर्स करने के लिए सिद्धांत जो हम वैदिक वेद में ऐसे कहा परंतु विचार नहीं किया कि शब्द कहाँ पर खड़े होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इससे भी गलती हुई दे ब्रह्मणि वेदितव्य परम चैव अपरम च इति केचित् कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तच्च न वो भी हम नहीं कह सकते हैं परिच्छेदे क्वचित अपि ब्रह्मत्व अजगत, यदि तुम्हारा दो ब्रह्म हुआ तो दोनों में से कोई भी ब्रह्म नहीं हो पाएगा, क्यों दो टुकड़ा हो गए इसको परिच्छेदे सति ब्रह्मत्व अजगत परिच्छेदे सति ब्रह्मत्व अजगत, जिस प्रकार मान लीजिए आपका शरीर को दो टुकड़ा कर दिया दोनों में से किसी एक टुकड़ा कभी अब्रह्मत्व नहीं कह सकते ब्रह्मत्व अजगत वस्तु तो अपरिच्छिन्न तम आवाज, क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से जो अपरिच्छिन्न निर्देश है व्यापक था इसका ब्रह्म शब्द चार पाँच नंबर मंत्र दस मंत्र सर्वाधिक घर में आए हुए सब पाँच नंबर टिप्पणी मिला चार नंबर के ऊपर मिला उसके बाद पाँच नंबर दस दस का क्या होता है सर्वाधिक सर्वाधिक घर में आए हुए सब अब यहाँ पे आ रहे छः नंबर टिप्पणी छः नंबर टिप्पणी अपरिच्छिन्न अपरिच्छिन्न वस्तु परिच्छेद रहित मतलब जिसमें कोई वस्तु परिच्छेद
परिच्छेद दिनों परिच्छेद रहित है, इस प्रकार वस्तु का ब्रह्म को दार्शनिक शब्द है। आपने दो ब्रह्म को परमार्थिक मान तो वो ब्रह्म हो ही नहीं सकता, हमारा शरीर तो भी नहीं। इसलिए हम लोगों ने कि अपरिच्छिन्न से बढ़ावा दी, इसको मन में रखो, परा परो न था परे, कोई पर ब्रह्म को अपर ब्रह्म दोनों परमार्थिक होता है, इस प्रकार से भी मानते हैं। इतना तक तो लड़ाई चला, तब बोलते भाई इसको छोड़ो, जो जो तीन देवता को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव, तो कोई कहते हैं कि सृष्टि पारमार्थिक है, क्यों सृष्टि नहीं होगा तो पालन कौन करेगा, किसको पालन करेगा, और नाश भी कौन करेगा। ये जो पुराणों की एक वेरिएशन है वो, इसलिए जो है सृष्टि जो है ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि सृष्टिकर्ता को ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता। और बोलते अरे भाई तुम सृष्टि किया, आजकल देखो आश्रम बनाना आसान है, आश्रम खाली पड़ा हुआ है, कोई रक्षा करता नहीं होगा, उसका कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए पालन करता है सृष्टि। तभी बोलता है अरे भाई यदि नाश नहीं होगा तो सृष्टि किसका होगा, सृष्टि की उपयोगी नहीं है, इसलिए नाश करता सृष्टि। तो ब्रह्मा विष्णु है शक्ति द्वारा ऐसा मानने वाले भी हैं, अलग अलग करके मानते हैं। परंतु अंतिम एक शब्द हम सर्वे चेहरे सर्वे ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। सृष्टि इति सृष्टि विदो, सृष्टि इति सृष्टि विदो, लय इति च तद्विदः, लय इति च तद्विदः, स्थिति इति स्थिति विदः, स्थिति इति स्थिति विदः, सर्वे चेह तु सर्वदा, सर्वे चेह तु सर्वदा, सृष्टि इति सृष्टि विदो, लय इति च तद्विदः, स्थिति स्थिति विदः, सर्वे चेह तु सर्वदा। मजेदार शब्द है, कोई कहते हैं सृष्टि को लेकर के विचार करने वाले बोलते हैं सृष्टि सृष्ट है, सृष्टि जगत का मंत्र ब्रह्मा जी को लेकर के बोलते हैं। आजकल तो एक ही ब्रह्मा जी का मंत्र लेकर करते हैं, पुष्कर पुष्कर नहीं कोई ब्रह्मा जी, क्योंकि उन लोग बोलते हैं सृष्टि नहीं करेगा तो पालन करने वाला और नाश करने वाला कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए सृष्टि मुख है। पालन करने वाला बोलता है कि सृष्टि मुख नहीं है, आज पालन किया कोई देखने वाला नहीं है तो तुम्हारा नाम कोई नहीं करेगा, पालन करने वाला मुख ब्रह्म विष्णु भगवान विष्णु पालन। तुम सृष्टि यदि पहले से सृष्टि ऐसे ही बना हुआ है तो ना सृष्टि को सृष्टि क्या करोगे, इसलिए लय प्रधान, लय प्रधान है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों देवता को मानने वाले अपने अपने तत्व को लेकर के उसी को प्रधान मानते, ये तीनों के पीछे एक ही तत्व है ये नहीं समझते। इसलिए जब आपने बोला सर्वे चाहिए हम सर्वदा, कि जितना भी मतलब प्राण से लेकर के स्थिति तक जितना भी कल्पना किया गया है सब इस आत्मा के अज्ञान के कारण आत्मा के ऊपर ही कल्पना है। सर्वे को भी मतलब सर्वदा कोई भी बात ही किसी प्रकार से कोई कल्पना करते हैं क्या होता है, आत्मा के ऊपर ही कल्पित होता है, क्यों आत्मस्वरूप का होता है सारा उसमें कल्पित है। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों जो है आत्मा मतलब मूल अधिष्ठान के ऊपर ही कल्पित है, यानी एक ईश्वर का ही सारा रूप है। ये ऐसा दुराग्रह रखने वाले दुराग्रह अभिनिवेश का संपन्न व्यक्ति इसको मानना नहीं सकता, नहीं इतना ठीक है इतना ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे आकर के देखिए 20 से शुरू हुई और अभी 28 में आकर के लंबा यहाँ पे जो है इतना इतना वादियों का ये सिद्धांत को समझा। परंतु एक शब्द इसको ध्यान रखना सर्वे जो है तो सर्वे ये चीज मुख्य चीज बताई हमको, ये सारा चीज सर्वे सर्वाधिक शब्द है चाहिए तो सब कुछ इसमें ही है आत्मा में, तो सर्वदा निश्चित ही हमेशा सकार बिंदु वहाँ पे यह तो गुण होकर के हो गया, अकार के बाद विकार आया था गुण होकर के यह यह सर्वे चीज सर्वदा। तो ये हर चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आत्मा के ऊपर ही स्वरूप के अज्ञान के कारण विकल्प में रहती है, विज्ञान लोग विवासन लोग विवास इतना स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही ऐसी स्थिति वो अलग अलग देवी देवता को मान करके जितना यहाँ पे कहा जितना नहीं कहा पूरा विश्व में कितना भी देख लीजिए कोई किसको मानते हैं कोई कुछ हराल मराल माध्यमी विवाह क्या जितना भी है अलग अलग देवी देवता को बाहर भी देखिए गाँव में अलग अलग देवी देवता को मानते हैं
ठीक है, हम उसका स्वीकार नहीं करते, परंतु मान्यता क्यों नहीं, और उससे उसका लाभ नहीं होता, यही बोल रहे हैं कि लाभ मैं कहीं नहीं बोला, लाभ तो श्रद्धा से होता है, लाभ श्रद्धा से होता है, इसलिए तो अलग अलग मान्यता आ जाती है। जिस व्यक्ति को ध्यान से आपको तो इतना टूमा बातों को नहीं आ रहा, आप कभी उस मैं कोई चीज़ करके मेरे को लाभ मिल गया तो मैं उसको पकड़ के रखूँ, दूसरे को भी बोलूँ, उसको नहीं हुआ तो श्रद्धा हट गया दूसरे को। इस प्रकार से एक एक करके बढ़ता है, हर वस्तु जितना भी है प्राण से लेकर के अब ये स्थिति तक जो भी कुछ कहा गया है ये सब आत्मा की वही करती है, सब आत्मा की वही करती है। इसको हमको भाष्य कर सकते हैं, परंतु प्रतिका देख लेते हैं क्या बोलते हैं, सृष्टि वा लयो वा स्थिति व तत्व की पौराणिका। पौराणिक कहते हैं, कोई कहता है सृष्टि तत्व है, कोई कहता है स्थिति तत्व है, कोई कहता है लय तत्व है, मतलब इसका मतलब कोई ब्रह्म को मानने वाला है, कोई विष्णु को मानने वाला है, कोई रुद्र को मानने वाला, ठीक है ना। इसलिए सृष्टि लय व स्थिति तत्व वही पारमार्थिक है, इस प्रकार पौराणिक जो कहते हैं तद भी कल्पना, वो भी कल्पना। क्यों सतो असतोपत्त्यादि असम आदि अभाव वक्षमान की मात्रा आह, सत असतुश्च चाहे सद्वस्तु हो चाहे असत वस्तु, सद्वस्तु की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। क्यों विद्यमान असत की उत्पत्ति होना संभव नहीं, अभिद्यमान इसलिए सत और असत दोनों अवस्था से जो है उत्पत्ति आदि उत्पत्ति मतलब सृष्टि स्थिति लय। आप बता वृद्धि को बरसात को कोई उत्पन्न कौन किया, पका के भी कौन रखा, नाश कौन किया, यही अज्ञानी है उसको उत्पत्ति किया, अज्ञान से ही नाश होना कुछ नहीं मानते, परमंत्र को नहीं मानते। इसलिए सत असतः उत्पत्ति आदि अभाव सत से अथवा असत से अथवा सद वस्तु का अथवा असत वस्तु का उत्पत्ति आदि मतलब सृष्टि स्थिति लय, इसका अभाव आयुष्मान ग्रंथ का कहें, आयुष्मान ग्रंथ का कहें। मान के देखिए सात नंबर की टिप्पणी दे रहे हैं, सात नंबर देखिए हाँ हाँ बोलेंगे, पक्षमान तो बोलते हैं 27-28 कारिकायाम अद्वैत प्रकरण है, देख लीजिए एक बार उसको, ठीक है ना, 27 नंबर 28 नंबर कारिका देखिए अद्वैत प्रकरण कैसे कहा हुआ है, पेज नंबर नंबर 171 सतो हि मायाया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्ततो जायते यस्य जातम तस्य हि जायते असतो मायाया जन्म तद्वतो नैव युज्यते बन्धरुत्रोन तत्त्वेन मायाया वापि जायते। इस और बोले देखिए 22 कारिकायाम अलात शांति प्रकरण, अलात शांति प्रकरण 22 कारिका अलग संकेत आ जाए तो वहाँ पर बताते हैं, हमारे में कुछ मिस्टेक है, 21 के बाद 26 जो दिखाई दे रहे हैं 22 कर दीजिए, शतो वा परतो वा भी न किंचे 290 ठीक है, शतो वा परतो वापि न किञ्चित् वस्तु जायते सत् असत् सत् असत् वापि न किञ्चित् वस्तु जायते। हाँ ये टिप्पणी का दो जगह लिखा है और इन सर्वों को इकट्ठा करके एक श्लोक देखिए, इसी का अलग शब्द का 40 नंबर श्लोक, अलग शब्द का 40 नंबर 240 हाँ 240 बनना है, नास्ति असत् हेतुकम् असत् सत् असत् हेतुकम् तथा सत् च सत् हेतुकम् नास्ति सत् हेतुकम् असत् उतः। सत् से सत् की उत्पत्ति, सत् से असत् की उत्पत्ति दोनों मन संबंध में, सत् मतलब विद्यमान वस्तु, सत् से सत् की उत्पत्ति कैसे हो सकती, सत् से विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो सकती, परिणाम हुआ उसके धारा का तो मृत्यु का परिणाम हुआ, तो परिणाम आपको मानते नहीं जाते, सत्य सत्य उत्पत्ति मतलब कि विद्यमान वस्तु से विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति,
और अविद्यमान वस्तु से विद्यमान वस्तु, विद्यमान वस्तु से अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति। सत को पहले कारण कर दो, सत का कार्य भी सत नहीं है, सत का असत कार्य भी नहीं हो सकता, फिर असत को कारण कर दो। कैसे इस प्रकार से जो है आप जो सत्य, तो आप पहले क्या देखा कि आपने इसमें आपका अद्वैत प्रकरण में दो श्लोक देखा, 27-28 और सत्य प्रकरण में दो, एक हो गया 22 और एक हो गया 40। संदेश में सत का जो पहले कपिल का कहा है उसका उपसंहार करने के 40 श्लोक में ये बता दिया कि दोनों बोल रहे हैं। तो सत्य जो मक्षमान अत्वादित 27-28 कार्य काया महा अद्वैत प्रकरण और 22वां कार्य काया अलग संख्य प्रकरण है ना, ये टिप्पणी है मिला कि ये हो गया सृष्टि चित्तादिना यथत्व कल्पना नाम अधिष्ठान सूर्य। सारा कल्पना का अधिष्ठान एक ही है, सारा कल्पना का अधिष्ठान एक ही है। यथत्व कल्पना नाम कहाँ से कहाँ तक कल्पना किया था, प्राण से लेकर के और स्थिति यहाँ से यहाँ तक, मतलब ब्रह्मा विष्णु को लेकर, प्राण से लेकर के विष्णु तक जो कुछ कल्पना किया गया है ये सबको एक जगह पे कल्पित किया गया। सर्वे चैहतु सर्वे, सारे वस्तु का कल्पना इस आत्मा के ऊपर ही हुआ। कैसे हुआ है, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, अज्ञान आत्मा के कारण, स्वरूप को नहीं जानने के कारण क्या हुआ, अनेक सारे कल्पना कौन किया, वही अपने आप ही किया, अपने संस्कार से करते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि यथत्व कल्पना नाम अधिष्ठान सूचयति, कहाँ सर्वे चैहतु सर्वदा, ठीक है ना, यहाँ पे सारा चीज इसी को वही कल्पित है। उधारितश्च अनुधारितश्च, अब देखिए क्या बोल रहे हैं अनंगी जी, जितना यहाँ पे उद्धृत किया गया है और जितना उद्धृत नहीं किया, इतना और ना जाने कितने बात है, केवल भारतवर्ष का नहीं, अलग अलग वादियों का अलग अलग, अफ्रीका में कुछ मान्य होता है, लंदन में कुछ मान्य होता है, अमेरिका में कुछ मान्य होता है, आपका न्यूजीलैंड अथवा आपका ब्राज़ील आदि में जहाँ भी होता है वहाँ पे अलग कुछ मान्य होता है, अलग देवी देवता की मान्यता है, सब जगह कुछ ना कुछ देवी देवता की मान्यता तो जरूर। अब ये सबकी कल्पना क्यों हुई, सबकी कल्पना इतना ही मात्र से हुआ कि आपने स्वरूप को नहीं जाना, स्वरूप को नहीं जाना। इसलिए बोलते हैं कि उदाहरितश्च अनुदाहरितश्च कल्पना भेदा जावंत विद्यते ते सर्वे अपि प्रकृत आत्मनि एव कल्पना अवस्थायां कल्प्यन्ते न आत्मनो कल्पितम्, ठीक है ना, आत्मा में कल्पित अब तो धर्म नहीं है, परंतु आत्मा के ऊपर ये सारा वस्तु की कल्पना की गई, क्यों, क्योंकि आत्मतत्व के अज्ञान के कारण, स्वरूप के अज्ञान के कारण, अधिष्ठान के अज्ञान के कारण भ्रांत वस्तु दिखाई पड़ती है। फंडामेंटल कंसेप्ट है, आप वहाँ पर रज्जु है आपको नहीं समझ में, इसलिए हम क्या कहते हैं सुचित्र जलधर माला दंड सर्व कितना कल्पना कर लेते हैं, इस प्रकार पूरा कृषि में देखिए, कोई कोई सर्व को माना, कोई नरक को माना, कोई जगमत को माना, कोई ईशान को माना, ये सब जो है क्या कल्पना ही है। और जिसको आप देखिए, जिसको जो आगे बोलेंगे अपना, जिसको यही सत्य है करके सिखा दिया गया, उसको पकड़ के वो अपना जिंदा रहे, कुछ को पकड़ के रखना चाहिए, वो सोचते हैं इसी में उनको रक्षा करें, क्योंकि उनका रक्षा के दृष्टि में तो शरीर रक्षा हो जाए तो मैं रक्षा कर नहीं सकता। इसलिए आगे बोलते हैं कि उदाहरितश्च अनुदाहरितश्च कल्पना भेद, पूरा कल्पना के लिए भिन्नता है, जावंत विद्यते जब तक आप इस पूरा कल्पना चलते हैं कि सर्वे अपि सारा कल्पित वस्तु ही प्रकृत आत्मनि एव, उस प्रकृत आत्मा में ही कल्पना अवस्था तो अज्ञान दशा में, तो अज्ञान दशा तो अपने स्वरूप के अज्ञान दशा में कल्पना अवस्थायां कल्पन्ते, और आत्मस्वरूप के अज्ञान दशा में आत्मा के ऊपर कल्पना किया जाते हैं, कल्पना किया जाता है किसका, कि कल्पना भेदा जो भी उद्धारित अनुधारित कल्पना भेदा कल्पन्ते कुत्र कल्पन्ते प्रकृत आत्मनि एव कदा कल्पन्ते अज्ञात अवस्थाया अज्ञान अवस्था कल्पना अवस्थाया न आत्मन कल्पितत्व, परंतु आत्मा कल्पित नहीं है, कल्पितत्व क्योंकि एक सजा कल्पित होगा तो अनवस्था दोष आ जाए, इसीलिए हम बोलते हैं न आत्मन कल्पितत्व
सर्वस्य कल्पितत्वेन अधिष्ठानं तो अजगत, सारा कल्पित होगा तो अधिष्ठान कहाँ मिलेगा, इसीलिए तब शून्यवाद में पहुंच जाएंगे। एक अधिष्ठान है जिसके ऊपर सारा कल्पना होता है, शास्त्र चार ये आत्मतत्व ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है, उसके ऊपर सारा वस्तु कल्पित, सारा कल्पित। एक आठ नंबर टिप्पणी दी जाती है, आठ नंबर टिप्पणी होता है कल्पना अवस्थाया, कल्पना अवस्था अविद्या अवस्थाया, आठ नंबर टिप्पणी क्या बोला, अविद्या अवस्थाया कल्पना अवस्था, अविद्या मतलब अपने स्वरूप के अज्ञान। बस देखिए यह भी स्वरूप की अज्ञान ही सृष्टि अथवा कल्पना के लिए हेतु है, और स्वरूप का ज्ञान क्या होता है, सारा कल्पना का ज्ञान, बस ये मुख्य चिंता है। अरे कल्पना कहाँ की हुई, अपने स्वरूप में कल्पना। आप देखिए भाष्य में ये 28 नंबर तक की जितना आनंद गिरी जी ने कहा, आप भाष्य करते हैं क्या देखिए, प्राण प्राज्ञ बीजात्मा तत्कार्य भेदा इतरे स्थिति, एक लाइन में लिख दिया। हाँ शुरू किया था प्राण इति प्राण विदह भूतान इति चतन विदह, ऐसे शुरू किया था। हाँ समाप्त किया स्थिति इति स्थिति विदह, यहाँ तक अरे सब बोल करके यहाँ पे टिप्पणी कर दिया। कारिका करके बोला सर्वे च यतु सर्वदा, है ना, ये सारा चीज हमेशा ही आत्मा नहीं करती। तो भाष्य का उमर शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, प्राण, प्राण कौन है, प्राज्ञा, प्राण शब्द के द्वारा वहाँ पे किसको लिया गया कि ईश्वर, प्राज्ञ मतलब व्यष्टि अज्ञान पहित चेतन, प्राज्ञ किसका नाम था, व्यष्टि अज्ञान पहित चेतन, जितना भी कुछ कल्पना हम करते हैं वो प्राण चलने के कारण करते हैं कि प्राण चले जाने के कारण करते हैं, प्राण रहने के कारण करते हैं, प्राण नहीं होगा तो कोई कल्पना कोई व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए प्राण को पकड़ा, और प्राण को पकड़ने के बाद आपको क्या गया है, क्या कल्पना करेंगे, तब बोलते हैं कि प्राज्ञ मतलब अज्ञान को हित चेतन, प्राण चलते हुए अज्ञान को हित चेतन अपने बीज मतलब जैसे संस्कार है तदन को कल्पना। देखो कितना तीन शब्द प्रयोग किया, प्राण प्राज्ञ बीजात्मा, ठीक है ना, जो प्राण वो प्राज्ञ है वो क्या है, सृष्टि की बीज रूप है मतलब ईश्वर रूप है, तत्कार्य भेद है कि चले सिद्धांत उसी का ही प्राण ये भेद है, उसी का सारा कार्य उसका निष्ठा है गेदा इतर ही स्थिति अंत, कहाँ तक, प्राण से लेकर के स्थिति तक, स्थिति अंत मतलब जिस लोग का भी हमने किया, इसीलिए 18 से लेकर 20 से लेकर 28 तक एक ही लाइन में भगवान मच्छर बता दिया। यहाँ भी इसमें देखिए बोलते हैं टिप्पणीकार बोलते हैं हमको प्राण और प्राज्ञ जो है व्यष्टि में दिखा रहे हैं, तो हम तो इसको समष्टि के साथ चिंतन करें। इसमें टिप्पणीकार बोलते हैं बीजात्मा ईश्वर अभिनय किया, जब तक आपका और हमारा कल्पना में भिन्नता है, कल्पना भिन्नता होने होते हुए भी बीज रूप में जब उसको माया होगी तो चिंतन ईश्वर है, उस समय अभिन्न व्यष्टि कभी भी समष्टि को छोड़ करके नहीं रह सकता, व्यष्टि कभी भी समष्टि को छोड़ करके नहीं रह सकता, तो उससे कोई क्रिया ही नहीं होगा। इस शरीर के एक हाथ एक व्यष्टि अंग है ना, ये इसको छोड़ करके इस शरीर के साथ अगर इसका संबंध ना हो इसका कोई व्यवहार को गुजरता नहीं, इतना समझ में आते हैं ना। शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग को उपयोगिता तब है जब शरीर के साथ है, इसी प्रकार से सारा सृष्टि में कहीं भी कुछ कल्पना किया तो भूल आत्मा ईश्वर चेतन तत्व अधिष्ठान तो कल्पित होने के कारण वो दिखाई पड़ता नहीं होगा, जब उपयोगिता नहीं रह जाता, इसलिए होता है प्राण प्राज्ञ बीजात्मा, बीज रूप में इष्ट है, तत्कार्य भेदा उसी का ही जो है मतलब कारण एक ही है, कार्य अनेक है, कारण एक ही है, उन्होंने बीजात्मा प्राज्ञ ईश्वर वो एक ही है, और उसका सारा कार्य भेद है, सारा विस्तार उसका ही दिखाई कार्य भेद ही इतरे, कहाँ से कहाँ तक है, प्राण से लेकर के स्थिति अंतर है ना, मतलब स्थिति करता तक स्थिति रीति स्थिति विधान जो भी देवी देवता का कल्पना करते हैं ये सब उस आत्मा के ऊपर ही करते थे। अन्य च सर्वे लौकिक सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदा रज्जांग सर्वलौकिक, जितने सारे अन्य च सर्वे, देखिए अन्य शब्द जो सर्वाधिक अन्य है क्योंकि एक सर और उस अन्य सारे वस्तु मतलब वस्तुओं को समझाने के लिए अन्य अन्य नाम नहीं लिया, सारे भिन्न भिन्न वस्तु किसको छोड़ कर दिए, ईश्वर को छोड़, क्योंकि पहले क्या बोलते भेज आत्मा ईश्वर उसी को सारा कल्पित है, यानी कि एक कल्पित अधिष्ठान को छोड़ करके जितना भी हम कर रहे हैं सर्वे
लौकिका सर्व प्राण जितना भी हमारे लोक व्यवहार में वस्तु दिखाई पड़ते हैं वो सर्व प्राण कल्पिता भेदा जो समस्त प्राणी के द्वारा कल्पना किया गया जो विशेष विशेष वस्तुओं को वो क्या है सब कल्पित है। कैसे कल्पित है? रज्ज सर्व इव रज्जु में रज्जामिव सर्वादय जिस प्रकार एक रज्जु के ऊपर सर्प भूषित जलधारा माला दंड ये सारा कल्पना होता है इसी प्रकार एक वस्तु ईश्वर की कल्पिता मैं कई बार बोल चुका हूँ ईश्वर शब्द प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिस विशेष तत्व को हम समझाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ शब्द है। नहीं ईश्वर को अलग नहीं किया यहाँ पे प्राण प्राण बीजा और बीज है तत्काल के भेद आए उसी को कल्पित है ठीक है ना यानी कि एक अधिष्ठान जो कल्पित नहीं है और उसके ऊपर सदा कल्पित है। हाँ पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर तक कल्पित है बोलेंगे परंतु जो कल्पित नहीं है उसके तो शब्द कुछ भी अभी शब्द कह सकते हैं कि जो कल्पित नहीं है उसको बोले आपने आगे बोलेंगे यहाँ पे देखो जो कल्पित नहीं है उसके ऊपर सारा कल्पना होता है क्योंकि एक अधिष्ठान कुछ नहीं है इसलिए बोलते हैं अंधित सर्वे लौकिक सर्व प्राणी पाठ जितने सारे लौकिक वस्तु दिखाई पड़ते हैं लौकिक वैदिक सभी तो वैदिक है सर्व प्राणी परिकल्पित समस्त जीव के द्वारा कल्पित है जो भेद है जो भेद भेद मतलब विशेषा रज्जा इव सर्पादय जैसे रज्जु के ऊपर सर्पादि की कल्पना होता है इसी प्रकार से यहाँ कल्पित है सर। अब देखिए इसको समझाने के लिए अपने आप देखिए तत् शून्यम आत्मनि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु अविद्या कल्पिता इति पिंडीकृत अर्थ प्राणादि श्लोकाना प्राणादि श्लोक मतलब नाम से लेकर के मतलब 20 से लेकर 28 तक श्लोक का पिंडीकृत मतलब एक साथ मिला करके पिंड बना करके जो अर्थ निकले वो सही लगता है। एक अलग अलग विचार करने की तब की आवश्यकता नहीं है इनको बाप बिगला पर विचार बिना मतलब दिमाग को आपका उलझन इसलिए बोलते हैं तत्शून्य मतलब जितना विशेषता दिखाई दे रहा है जितना कल्पित वस्तु दिखाई दे रहा है उस कल्पना से शून्य जो अपने आप में कल्पित नहीं है उसको तत्शून्य विषय होता है तत्शून्य में अकल्पित जो कल्पित नहीं है जितना विषय उससे रहित वो कौन है तत्शून्य आत्मनि उसको तत्शून्य उससे रहित जो आत्मा है जो शून्य आत्मनि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु कल्पना क्यों हो गया वहाँ पे क्योंकि आत्मस्वरूप का निश्चय के अभाव यही माया है ना यदि भाष्यकार की पंक्ति है लोग बोलते हैं आनंद गिरी जी बोलते हैं मतलब ये भाष्यकार की पंक्ति है भाष्यकार क्या लिखा है यहाँ पे आत्मने आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु अविद्या कल्पित सारा वस्तु अविद्या से कल्पित है किसका किसके अज्ञान स्वरूप है स्वरूप की अज्ञान के कारण जो स्वरूप कल्पित नहीं है उस कल्पित अकल्पित वस्तु में सारा कल्पना हो इसे बोलते हैं तत्शून्य आत्मनि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं होने के कारण अविद्या कल्पित सारा वस्तु अज्ञान से कल्पित इति पिंडीकृत अर्थ मतलब इकट्ठा मिला करके यदि आप देखना चाहते हैं उसका अभिप्रय करता है पर जगत तो अर्थ ही है कहाँ से कहाँ तक प्राणादि श्लोकाना प्राणादि श्लोक का ये अभिप्रय करते हैं। यहाँ भी देखिए दो नंबर के बाद टिप्पणी तीन नंबर आया हुआ आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु इति क्योंकि कल्पना हुआ ये कल्पना इसलिए हुई क्योंकि आत्मस्वरूप का मतलब अधिष्ठान तत्व का स्वरूप हमने निश्चय नहीं कर अधिष्ठान के स्वरूप निश्चय नहीं कर पाने के कारण हमें ये भ्रांति हुई आत्मस्वरूप अनिश्चय मतलब तत् अभाव तत् हेतु मूल अज्ञान उसका हेतु क्या हो गया मूल अज्ञान अधिष्ठान के अज्ञान तत् प्रयुक्ता अविद्या वही किसी को वही मतलब अज्ञान ही अविद्या रूप में काम करते हैं भ्रांति हुए भ्रांत वस्तु त्वया कल्पिता उस अज्ञान अविद्या कल्पिता विषयीकृत है अविद्या से कल्पित करके हमने क्या किया जो आत्मा विषय नहीं बनता आत्मा के ऊपर कल्पित वस्तु सारा विषय बनता जो आत्मा कभी विषय नहीं होता इसलिए तो कल्पना हुई यदि वो ठीक ठीक विषय पहले आपको समझ में आ गया होता विषय मतलब अन्य विषय की कल्पना रज्जु जब विषय रूप में हमारे सामने स्पष्ट हो जाता तब सब कुछ कल्पना नहीं होता यही है दृष्टांत तो दृष्टांत में भिन्न व्यवहारिक में क्या होता है भ्रांति स्थल में जिसके ऊपर भ्रांति हो रहा है मुझे समझ में आ जाता सब ये कभी समझ में आने वाला नहीं है मतलब विषय में आने वाला है
और इसी कमी के कारण इतना प्रकार की कल्पना होती है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं होने के कारण से आत्मस्वरूप अनिश्चय मतलब तद अभाव निश्चय के अभाव तद हेतु मूल अज्ञान अब बोले तब अभाव से भाव उत्पन्न बोलते नहीं नहीं वो मूल अज्ञान निज भाव तब क्या भाव विद्या विरोधी भाव प्रश्न मैंने बाद में तद प्रयुक्त जब अच्छा जब हम बोले कि कोई सृष्टि नहीं हुआ तब अभाव मान लो जब सृष्टि को लेकर भी जब बोले कहता हम भाव प्रश्न मान लो तत्प्रयुक्त अविद्यावधानिकया कल्पित ज्ञान से कल्पित विषय ही कृतम है उसको विषय बना करके देखते ही दी जाते अनिश्चय मूल अज्ञान तस्मा हेतु अनिश्चय मतलब क्या हो गया यही मूल अज्ञान है मूल अज्ञान है ना कि अधिष्ठान संबंधित अज्ञान जो अनिश्चय होते हैं तस्मा हेतु इस कारण से वह ऐसा भी अभी व्याख्यान कर सकते हैं तो यहाँ हो गया तीन नंबर टिप्पणी में आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु अविद्या कल्पिता इति पिंडीकृत अर्थ प्राणादि श्लोकानाम आप क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ व्याख्याने फल रूप प्रयोजनत्वाद यत्न न कृत वत्सपाठ बोल रहे आप तो हमारे कमी को नहीं मतलब गलती को नहीं समझना और उसके बाद ये भी समझना है वत्सपाठ में समझ में नहीं आया ये नहीं है परंतु आत्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए इतना सारे विषय को लेकर के विचार करने का कोई आवश्यकता नहीं आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ये सब लेकर के अभी यदि आपको उस वाक्य में गुरु वाक्य में विश्वास है तब आप इसको कोई विचार मत करो जब भी मत प्रत्येक पदार्थ पर प्रत्येक अलग अलग पद के अर्थों को व्याख्यान करने में हल्कु प्रयोजन मतलब उपयोग अधिक प्रयोजन सिद्ध थोड़ा सा प्रयोजन सिद्ध हो फलकू प्रयोजन ना पीछे भी मैं इस विषय में कोई प्रयास नहीं किया फल को आप देखते हैं फल नदी के नाम फलू मतलब क्या होता है जो अंदर से बहता है बाहर नहीं दिखाई कोई अधिक प्रयोजन सिद्ध मतलब बाहर से नदी बहता तो उसका प्रयोजन सिद्ध होता बाहर नदी बहता तो उसके पानी को आप ले सकते थे पी सकते थे नहा सकते थे है तो अंदर बंद उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं है जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है उसको बोलते फल रूप प्रयोजन मतलब निष्प्रयोजन अधिक प्रयोजन तीन नंबर टिप्पणी में देखिए क्या बोलते हैं कि फलगु प्रयोजनता दी अत्यल्प प्रयोजनता दी इसका प्रयोजन तो अति कम है थोड़ा सा प्रयोजन है हाँ इतना क्या क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा कि आपको यदि आप ठीक से पढ़ लेंगे कभी भी इसके लिए सत्य तो बुद्धि नहीं ये अभी अत्यल्प प्रयोजन है आप उसके सत्य तो बुद्ध आप आत्मनिश्चय करो मेरे बातों में निश्चय करो तो आपका भी चला जाएगा अल्प सचर समुदाय अर्थ वैद्य ने उपदत्वा दिया हो इस अल्प को एक साथ मिला करके इनडायरेक्ट इसका कथन हो गया अल्प सचर समुदाय अर्थ वैद्य ना सबका अभी तात्पर्य जगत अर्थ सभी का एक ही है सब तात्पर्य जगत अर्थ के कहने के माध्यम से सबका अर्थ कहना हो गया ऐसा समझना चाहिए तो यहाँ पर अल्प में एक नंबर टिप्पणी और नीचे तीन नंबर एक और दो नंबर मूल में है एक और दो नंबर मूल में है फल को प्रयोजन तीन नंबर तब आप टिप्पणीकार बोल रहे हैं भाष्यकार जो बोल रहे हैं प्रयोजन फल को प्रयोजन अंतर टीकाकार तब इतना क्यों दिखा दी अपने पांडे से दिखा दे तब बोलते हैं अच्छा एवं टीकाकृत अभी तत्व शंका टीकाकार के द्वारा भी उसको त्याग कर देना चाहिए था ऐसे शंका नहीं करना चाहिए अब देखो इसका टीका में आनंद गिरी से क्या प्रतिज्ञा किए थे टीका में आइए टीका में बिल्कुल फर्स्ट पंक्ति में टीका में लिखिए आनंद टीका में तथापि मंद बुद्धिना उपकाराय लास्ट वाला लिखिए चार नंबर पूर्वे यद्यपि विद्वांस व्याख्यानम इह चक्रे पेज दो पेज टू में देखिए पेज टू में श्लोक नंबर चार अरे भाई ऊपर देखो आनंद गिरी की टीका यद्यपि हमारे पहले इसके ऊपर व्याख्यान करने वाला व्याख्या किया है फिर वो समझने के लिए कठिन पड़े इसीलिए मंद बुद्धि को थोड़ा समझाने के लिए मैं प्रयास करूँगा ऐसा प्रयास करता हूँ
तो ये प्रतिज्ञा उनका पूरा करने की बड़ी कार्य देखिए कैसा आगे क्या बोलते हैं न चाहे एवं टीकाकृत अपनी त्याजना में कितना टीकाकार के कारण ये त्याग कर देना चाहिए तो शंकम क्यों तथापि मंद बुद्धि नाम उपकार ये जन तेरे की प्रतिज्ञा ना आपकी तो प्रतिज्ञा करके आया इसीलिए यहाँ पे उसके जो है ये जो है बालाना प्रतिबोधा है मंद बम्ल बुद्धि के कारण होने में नहीं आते मंद से ही बंद है तो समझाने के लिए आनंद के लिए ऐसा प्रयास करते हैं फल गुरु प्रेरण हुआ जब पुनः कृत भाष्य करते ये बोलते हैं तब जिस बच्चे पर ही कर के तब मजे से लिख रहे तब टीकाकार को छोड़ देना चाहिए जब गुरु जी ने नहीं बोला तब क्यों बोल रहे तो तुमने प्रतिज्ञा किया हमारे मानवीय को कार्य का सम्मान में व्यक्ति को आश्चर्यकार का अपने तो मतलब बुरा अर्थ तो छुपा हुआ है आश्चर्यकार के सीधा अर्थ को समझना अत्यंत विचक्षण व्यक्ति के द्वारा समझना आश्चर्यकार ने मंद बुद्धि के लिए नहीं लिखा है थोड़ा सा हाई लेवल पर आश्चर्यकार भी एक दो बार रेफरेंस दिया है मंद बुद्धि मंद बुद्धि कई जगह पे बिना टीका के पढ़ना चाहिए समय कम है परंतु भाष्य का स्पष्टीकरण के लिए आपको थोड़ा सा बौद्धिक शिक्षण अगर भौतिक सूक्ष्मता पहले कोई एकाधिक ग्रंथों का टीका के सहारे पढ़ लो उसके बाद आप आराम से समझ ठीक अब यहीं पे रखते हैं समय तो 28 तक पढ़ते जो इतना लंबा समय तक चल रहा था उसके ऊपर कोई भाष्य नहीं था इसका एक एक ही उपयोगिता दिखाया क्या ये सब आत्मा में कल्पित सब आत्मा में कल्पित है और कल्पना हुआ क्यों क्योंकि आत्मा तत्व जो अधिष्ठान के अध्ययन अधिष्ठान के अध्ययन के कारण ये सारा कल्पित आपके भगवान भाष्यकार बोलते हैं इतनी सारी कल्पनावादियों को लेकर के कल्पितवादी को विचार करने से क्या लाभ है उससे अच्छे तो सत्य वस्तु है उसका विचार सत्य वस्तु परमात्मा इसलिए इसके ऊपर भगवान भाष्यकार आज अंतिम में कौन सा पढ़ाया जाएगा तो सही बोल रहे वेदनाम्नोऽन्तरस्थम्